पटना से आपको बता दें कि पटना में पासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनके समाज को लोगों ने परेशान किया जा रहा है। लोगों की तरफ से उन्होंने सरकार से कहा कि वो उनके समाज के लोगों को परेशान करना बंद करें और ताड़ी को चालू कर दिया जाए। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, तो इससे पहले भी इसको लेकर बहस हो चुकी है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि नीरा का वो उत्पादन करें और नीरा का इस्तेमाल करें, नीरा को बेचने के लिए भी तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ पासी समाज के लोगों की तरफ से और ताड़ी को अनुमति देने की मांग की गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या तस्वीरें हैं फिलहाल, क्या उनकी मांगे हैं? देखिए, गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तमाम लोग जो इकट्ठा हुए थे और उस समय जो इनके द्वारा जो है पुलिस प्रशासन पर जो है ये रोड़े फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी ये पुलिस के जो है कहीं ना कहीं कमांड में नहीं आ पाए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और ये देखिए डबंगला चौराहा है, डबंगला चौराहे पर जो है आप देखिए ये तमाम लोग जो हैं, ये सैकड़ों के सैकड़ों जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि बिहार पुलिस के जवान भी जो है इन्हें हटाने के लिए तैयार हो गए हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब यहाँ भी संभावना ये जताई जा रही है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ भी जो है लाठीचार्ज हो सकता है। जिस तरह के सिचुएशन बना हुआ है, अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहेंगे कि पूरी तस्वीर वो दिखाएँ कि किस तरह की तस्वीर है ये। और लगातार जो है ये लोग आगे बढ़ते आए हैं, इनका मांग है जो नीरा की बात की जाए, जो नीरा ने सरकार ने चालू किया था वो सही ढंग से नहीं उस पर जो अमल किया गया, सही ढंग तरीके से लागू नहीं किया गया। दूसरी तरफ इनका कहना है कि जो इनका पारंपरिक जो व्यवसाय है ताड़ी का, उस व्यवसाय पर भी रोक लगा दिया गया है। तो ये तमाम लोग जो है क्या क्या मांग है? मेरा मांग है ताड़ी फ्री करे, वापस ले। हमारा कहने का गर्ज है जो पुलिस लोग दारू बनवाता है, सप्ताह लेता है, महीना लेता है, हफ्ता लेके और दारू बनवा कर बेचता है। हम लोग 100 फीट ऊपर चढ़ते हैं, गिरते हैं तो मर जाता है बाल बच्चा, कौन चीज का खाएगा हम लोग गरीब के बाल बच्चा? अखनी आपका मान चलिए वर्दी है, अगर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो आपका बाल बच्चा कौन चीज खाएगा? अब मांग कीजिएगा ना, नहीं कीजिएगा? शुरू से हमारा के जहिया देश नहीं था तहिया से चीज चल रहा है। दारू जो मिल रहा है कितना पकड़ाता है, इस पे कुछ निर्णय देता है सरकार? नीतीश कुमार देख नहीं रहा है जो कितना दारू मिल रहा है? यहाँ ताई जो बिक नहीं रहा है उसमें प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेना होगा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, वापस उनको लेना होगा, चाहे जिस हाल में वापस ले दे। आज अब हम दे रहे हैं, बन रहा है, 20 हजार दे रहे हैं, 20 हजार रुपये घर बनाएगा। आप बोलते हैं भैंस बोलो पोसो गाय पोसो, उस समय हमारा बाल बाल जिएगा नहीं जिएगा? अरे आप लोग जिसे बहाली करते बिहार में 10 हजार पैसा पुलिस का, कभी 10 हजार पास बहाली कीजिए उसमें। नीतीश कुमार पहले पूरे बिहार प्रशासन से निवेदन करे कि पहले दारू बेचवाना बंद करे, उसके बाद मेरे समाज के लोग ताड़ी बेचना ही बंद कर देंगे। दारू ही समाज के लोग, यही प्रशासन लोग, यही सरकार में बैठे गुंडा लोग दारू बेचते हैं, दारू बेचवाते हैं, यही प्रशासन के लोग दारू पी के ड्यूटी भी करते हैं और यही पासी समाज पर अत्याचार करते हैं। ये पासी समाज कभी माफ नहीं करेगा नीतीश कुमार। तारी तारी तो एक प्राकृतिक है, प्रतीक फल है, उसको जूस के बराबर पिया जाता है। तुम्हारा दारू फेल हो गया बिहार में। नीतीश कुमार जी द्वारा काला कानून लगाया गया पासी समाज के ऊपर, नीतीश कुमार जी द्वारा विफल साबित हुआ नीरा, नीरा 10 से 15 दिन के अंदर में विफल साबित हुआ। नीतीश कुमार जी ना नीरा ले रहे हैं हम लोग से, ना तारी फ्री करवा रहे हैं। प्रशासन द्वारा, आबकारी विभाग द्वारा पासी समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ ये काला कानून वापस ले, नहीं तो तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी बातों को जो है वो रख रहे हैं। और इनका कहना है कि जो ताड़ी जो है नीरा की बात की जाए तो आबकारी विभाग जो है उनसे ताड़ी नहीं ले रहा है नीरा बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो है इनको परेशानी जो है वो झेलना पड़ रहा है। और तमाम चीज़ें हैं, हम चलते हैं आगे की और क्या
मांगे हैं इन लोगों की क्या? हम लोगों से यही आग्रह मांगे मुख्यमंत्री से, नीरा हमसे खरीदारी नहीं करते तब तक कानून पर से वापस ले, तारी पर से प्रतिबंध खत्म करे, बिहार सरकार तारी पर से प्रतिबंध खत्म करे, पहले हम लोग जैसे करते थे हम लोग ऐसे करेंगे, उनका कोई नीरा खरीदारी नहीं हो रहा है, इसलिए कर तो देखिए इस तरह से जो है विरोध है और कहीं ना कहीं ये समाज के जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ताड़ी जो है उसको जो है सरकार उस पर जो प्रतिबंध लगाई है उस प्रतिबंध को हटा दिया जाए, तो इनकी मांग है। और देखिए अब ताड़ी को लेकर भी राजनीति होने लगी है, अब आज ही देखा जाए और कल की बात की जाए तो शराब को लेकर जो है राजनीति जो है तेज हुई है, तब ताड़ी को लेकर भी जो है बिहार में राजनीति तेज हो गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आक्रोश में ये नजर आ रहे हैं, ये बताइए कि प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया था, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? अगर तस्वीरें हो सके तो दिखाइएगा अभी की क्या स्थिति है। देखिए जब प्रशासन ने लाठी चार्ज किया था तो वो आपको गांधी मैदान का जेपी गोलंबर था और प्रशासन वहां से जो है इसी तरह का बैरियर लगाया गया था और प्रशासन वहां से जो है इनको आगे नहीं आने देना दे रही थी, तो उस समय जो है इन लोगों के द्वारा जो है पत्थरबाजी किया गया, रोड़ेबाजी किया गया और उसके बाद प्रशासन ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद जो है ये भीड़ जो है अलग अलग रास्ते से फिर आकर एक जगह इकट्ठा हो गई है। प्रशासन के लोगों को देखिए कि सभी के हाथ में जो है डंडे हैं और जहां प्रदर्शनकारी हैं उनके भी हाथ में डंडे हैं। अभी हम प्रदर्शनकारियों को नहीं दिखा सकते क्योंकि बैरियर लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ देखिए कि प्रशासन के जो भी लोग हैं जिन्हें भीड़ हटाने का जिम्मा दिया गया है पुलिस वाले को, उन्होंने जो है हेलमेट लगा लिया है, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट जो हैं वो अब देखिए डीएसपी जो हैं वो पहुंच चुके हैं, एएसपी हैं वो पहुंच चुके हैं और जो है क्योंकि डगबंगला चौराहा जो है वो ये जो है दिल है। बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और पुलिस भी वहां पर भीड़ पर काबू पाने की लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।